हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुलन आर्ट। वुलन आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्यारा सा पोंचो लेके आई हूँ जो बॉट शेप में है। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने टू कलर में बनाया है। देखिए कितना प्यारा बनकर रेडे पोंचो हमारा तैयार हुआ है। इसे मैंने टू कलर में बनाया है, आप चाहे इसे एक कलर में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसे हम पिंक और वाइट कलर में ही बनाएंगे। देखिए इसके लिए मैंने जो है क्रोशिया हुक में जो है चैन को एक चैन जो है डाल ली है स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए हमने इसे स्टार्ट करना है यहाँ से। इसके लिए हमने जो है 22 चैन बनानी है, क्योंकि हम ये 5 नंबर के कान्हा जी के लिए पोंचू बनाएंगे। तो इसके लिए चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं 22 चैन बनाती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है 22 चैन जो है इसमें मैंने बना ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने फर्स्ट चैन ली थी उसी में ही हम लोग जो है इसे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जो है ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 1, 2, 3 यहाँ पे 3 की चैन बनाई हमने, ये हमारा एक डबल क्रोशिया। अब हम जो है इसी में ही अगेन दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अभी हम 2 चैन लेंगे, फिर से हम इसी में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और ये 2 बार, तो जो टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया जो है एक ही चैन में हमने बनाए हैं। फिर हर एक चैन में हम लोग जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11। एक बार हम देखें, हमारे 22 थे तो हमें 11 इस साइड बनाएंगे और 11 इस साइड बनाएंगे। देखिए हम इसमें 11वें में आ गए हैं, तो हम लोग इसमें एक बार और बनाएंगे दोबारा से, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया और इसी में बनाएंगे एक बार और ये 2 बार। तो टोटल जो हमने इसमें 4 बार एक ही चैन में जो हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसमें भी मैं इस तरह से डबल हर एक चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के जो लास्ट में आ गई हूँ, ये 3rd चैन में जो हम इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो अब देखिए हमें यहीं पर एक द्वार से 3 की चैन बनानी है, तो ये एक हमारा डबल क्रोशिया और इसके साथ ये नेक्स्ट है, इसमें भी हम लोग एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड शुरू हो गया। तो देखिए हमने, अब देखिए हम दोबारा से इस हॉल में आ गए, तो हम इस हॉल में दोबारा से यही 2 डबल क्रोशिया और 2 चैन बनाएंगे। 1, 2, अब दोबारा से 2 डबल क्रोशिया और इसी हॉल में। देखिए ये जो होल था हमारे पास, जैसे ये होल बना है, इसमें भी ये होल बनता है, इसमें भी हमने यही काम किया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इनके ऊपर हमें दोबारा से जो है एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसके साथ वाली ये चैन है डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम लोग एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर हमको एक डबल क्रोशिया बनाना है,
और इस राउंड को भी इसी तरह से जो हमारे को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम दोबारा से इस होल के पास आ गए हैं। देखिए इससे पहले जो एक डबल क्रोशिया उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए ये होल है, इसमें हम लोग चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार डबल क्रोशिया, ये दो बार डबल क्रोशिया, अब ये दो चैन, फिर दोबारा से दो बार डबल क्रोशिया, एक बार, ये दो बार। तो टोटल हमने यहाँ पे भी जो है चार बार डबल क्रोशिया बना है। अब हर एक के ऊपर हम जो है, देखिए इसके साथ वाला है, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से जो हम इस राउंड को भी पूरा कर लेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, बस हमने जो इंक्रीज किया है वो हमने ये जो होल है इसमें ही हमने इंक्रीज किया, बाकी हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैंने स्लिप स्लिप के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब हम लोग जो है दोबारा से तीन चैन लेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड शुरू हो चुका है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारे होल से पहले हमारा डबल क्रोशिया है, इसको भी हम लोग जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये होल आ गया दोबारा से, इसी में जो है हम लोग चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, दो, फिर दो चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया, ये दूसरी बार डबल क्रोशिया, और हर उसके ऊपर जो है हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसके साथ वाला जो हटाएंगे थोड़ा सा हाथ से, तो ये हमारे को ये डबल क्रोशिया दिखाई दे देगा। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को भी जो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है इसका थर्ड राउंड भी जो है कंप्लीट कर दिया है। देखिए हमारा जो पोंच हुआ इस कुछ इस तरह से जो है बनेगा। ये देखिए मैंने इसका जो ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें वाइट कलर ऐड करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर धागा काटने नहीं रही हूँ, मैं यहीं से जो है अपना सेकेंड कलर ऐड करूँगी। पिंक कलर को हम लोग खींच लेंगे, एक, दो, तीन। अब देखिए अब नेक्स्ट में हम लोग, अब हम जो है हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, देखिए हमने हर जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो है डबल क्रोशिया ही बनाया है। बस यहीं पे जो हम जो हर बार बनाते हैं उसी ही हम बनाएंगे, इनक्रीज सिर्फ हम यही करेंगे, बाकी हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए ये नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर ये नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। देखिए अब हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बना रहे हैं, बस हम जो इंक्रीज करेंगे वो हम लोग यहीं पर ही करेंगे, जो हम हर बार जैसे करते हैं, दो डबल क्रोशिए, दो चैन और दो डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो राउंड यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे कैंची से कट कर देंगे, वाइट कलर को और पिंक को भी हम यहीं से कट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये कितने बने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस, बाईस, चौबीस और छब्बीस। देखिए छब्बीस हमारे इस साइड है और छब्बीस हमारे इस साइड है, तो हम इन्हें आधा आधा बनाएंगे। अब हम इसमें से जो है बाजू निकालेंगे पोंचों के लिए। देखिए अब हम लोग बीच में से नहीं, अब हम लोग जो है यहाँ साइड में से इसे बनाएंगे बाजू को, एक, दो, तीन, तीन, एक की एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, दो,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। देखिए अब हम लोग ने यहाँ आठ बनाए हैं बाजू निकालने के लिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस हमने स्किप करे हैं। और देखिए ग्यारहवें में हम लोग जो है बाजू बनाएंगे अपनी। देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये देख लीजिए आठ। अब हमें यहाँ पे वही प्रोसेस करना है, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, एक, दो चैन, जो दो डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमारे पास जो है 26 से 8 हमने यहाँ बनाए और 8 हमने इस साइड बनाए और 10 चैन की जो हमने स्किप किया है जिसमें हमने बाजू बनाई है। तो इसी तरह से जो है हमारे को यहाँ पे भी करना है। 8 हम बनाएंगे, फिर 10 चैन छोड़ देंगे और 8 हम इस साइड बनाएंगे। तो ये हमारे जो है ये नीचे का जो है पोर्शन बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसे कम्प्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दो चार छः, दो दो चार छः आठ, हमने यहाँ आठ बनाए हैं। दस हमने बीच में स्किप कर दिया और आठ हमने देखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और एक लास्ट आठ। देखिए आठ हमने यहाँ बना लिया। यहाँ पे भी हमने वही करना है, दो डबल क्रोशिया और दो चैन। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें जो अपना वर्क है वो इसी में ही करना है। अब जो हम लोग है, देखिए यहाँ से जो है अपने जो वर्क को है बढ़ाते हुए जाएंगे, जिससे हमारी ये वॉट शेप आएगी। तो अब हम जो है सारा वर्क, अब ये जितने भी हमने डबल क्रोशिए बनाए हैं ये सारे यहाँ से यहाँ तक, अब हमें हर एक के ऊपर जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, दो, तीन, तो ये हर एक देखिए डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम लोग डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया। तो अब हमें हर एक चैन के ऊपर जो है डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को जो है कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। देखिए हम लोग अब जहाँ हमने बाजू के लिए स्पेस छोड़ा था, अब हम लोग वहाँ पे भी आ गए। देखिए हमारे पास एक चैन है। देखिए हमारे जब ये हमने इसे जॉइन किया तो यहाँ पे जो है एक चैन सी बननी है। देखिए डबल क्रोशिया बनाया था हमने, ये थोड़ी सी खुली हो गई है चैन, तो इसे इस तरह से इसे चैन बने चैन के ऊपर जो हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए हर अब एक चैन के ऊपर जो हम एक डबल क्रोशिया बनाते हुए भी इस राउंड को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं इस तरह से जो है इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो इसे यहाँ पे थर्ड चैन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए अभी यहीं पे हम दोबारा से अपना, देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड, और अब ये हमारा थर्ड रो शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आप इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते तो आप इसे फोर में ही बंद कर दीजिएगा। बस इसी तरह से है जो है अब हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो है डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से जो मैं इसके दो राउंड और बनाती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अभी से मैं थर्ड चैन में जो है स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दूँगी और यहीं पर मैं अपने धागे को कट कर दूँगी।
देखिए एक चैन लेके हमने जो अपने धागे को बंद कर दिया। देखिए कुछ हमारी जो शेप है इसकी, इस तरह से आधी जो हमारी शेप आ चुकी है। अब हम इसमें जो है फाइनल टच देंगे, ये जो हमने वाइट का जो है बॉर्डर बनाया है इसका, इसे हम बना के जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे वाइट कलर से इसे फिनिशिंग देते हैं। देखिए हम इसे यहीं से स्टार्ट करेंगे, होल से ही। देखिए हमें इसमें जो है अपनी एक नॉट लगा लिया है, 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिए, एक बार और एक बार और बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे जो है 4 डबल क्रोशिए बनाए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, एक हमें चैन लेनी है। देखिए इसके साथ वाला जो ये है क्रोशिया हुक, इसमें हमने इसे पफ बनाना है, 1 2। देखिए अगर धागा, देखो मेरा ये 3 प्लाई का धागा है, देखिए तो इसमें मैं ये 2 पफ ही बनाऊंगी। आप जो चाहे तो, अगर धागा पतला है तो आप इसमें 4 भी बना सकते हैं। तो देखिए अब देखिए हम नेक्स्ट में बनाएंगे, एक बार 2 बार, सिर्फ हमें इतने ही पतला पतला जो है पफ बनाना है। सॉरी चैन नहीं लेनी अब। अब देखिए हमें नेक्स्ट में 1 2, फिर नेक्स्ट में एक बार, ले 2 बार पफ घुमाया, सॉरी धागा घुमाया, देख लीजिए एक बार फिर से। ये नेक्स्ट चेन में है, हॉल में है सॉरी, इसमें हम लोग जो है देखिए 2 होके 2 से 1 कर दिया। देखिए इसके साथ वाला नेक्स्ट होल है हमारे पास, तो इसमें हम 2 बार धागा घुमा के देखिए 2 रह गए, 2 से 1 करा। फिर ये नेक्स्ट है, तब हमें जो है 2 बार जो है धागा घुमा के ये पफ बनाना है और इस तरह से जो है इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए 2 बार घुमाया, फिर 2 रह गए, फिर दोनों को एक साथ निकाला, फिर नेक्स्ट में भी 1 बार, 2 बार, देखिए 2 रह गए, 2 से 1 करा। तो इस तरह से जो ये हमारा जो है ये शेप बन के तैयार होगी। तो चलिए मैं इस तरह से इसे कंप्लीट करती हूँ। इसी तरह से जो हमें अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है अपना ये पोंचू है बना के जो है तैयार कर लिया है। देखिए अब हम यहाँ से अपने धागे को कट कर देंगे और एक चैन लेके इसको यहीं पर ही ज्वाइन कर देंगे, साथ के साथ इसे एडजस्ट कर देंगे हम लोग धागे को भी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बोट शेप में जो है पोंचू बनके जो है तैयार है। देखिए अभी बनाया, थोड़ा सा आप हाथ से जो इसे इस तरह से जो है शेप दे दीजिए। देखिए ये हमारे दोनों ही पोंचू जो है सुंदर बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहा है हमारा पोंचू। देखिए आप चाहे तो इसमें जो है वो भी लगा सकते हैं, मोती वगैरह या जो स्टोन वगैरह आपने लगाने हो तो आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने इसे जो है थोड़ा सा मोती से जो है डेकोरेट कर दिया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिएगा आपको हमारे ये जो डिज़ाइन है किस तरह से लगते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।